फर्स्ट वाला किसी रीज़न से मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो मेरे लिए ये पहला ही है. और इट्स वेरी गुड, वी आर नॉमिनेटेड एंड शो इज डूइंग रियली गुड, सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि क्या होता है. या आई एम नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर फीमेल. अब मुझसे मत पूछिए कुछ उम्मीद है कि नहीं है, बिकॉज उम्मीद रखने से अगर कुछ नहीं होता है तो काफ़ी दुख होता है. सो आई हैव नो होप्स. तबीयत खराब है तो प्लीज़ मेरी ये वॉइस झेल लीजिए. ज़ारा को ये सब पहनना अलाउड नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ ईशा बन के क्यों नहीं जाऊँ. ज़ारा तो आप लोगों ने बहुत देख लिया है. सो आई एम वेयरिंग अ फ्लेरी वाइन कलर गाउन विच इज़ ऑफ शोल्डर. मेरा पैकअप बहुत लेट हुआ, सो मैंने बहुत क्विकली रेडी हुई है. यू नो द कैरेक्टर इज़ वेरी पावरफुल एज यू सेड, बट वुमेन एम्पावरमेंट में है. बाकी अगर आप कैरेक्टर्स देखिए तो बहुत बेचारी बहू है, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल टीवी शोज, बिकॉज हम दिखा रहे हैं कि औरतें कितनी स्ट्रॉन्ग है, अपने हक के लिए कैसे लड़ती है. तो मुझे जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं वो सब औरतों से ही मिल रहा है, जितने भी गालियाँ पड़ रही हैं सब मर्दों से पड़ रही हैं. ऑब्वियसली बिकॉज काफ़ी लोगों का लग रहा है, बिकॉज इसमें नज़र नहीं नज़रिया की बात हो रही है, हक की बात है औरतों की. एंड मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हम जो चीज़ नहीं बोल पाए वो ज़ारा बोल रही है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है. देयर इज़ दिस वेरी फेमस कोट, कीप योर आइज ऑन द स्टार्स एंड फीट ऑन द ग्राउंड. सो नो मैटर कितना भी हाइट पर जाए, हमेशा अपने पैर मुझे ज़मीन पर रखना है. आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं जिनकी वजह से मैं हूँ. सो थैंक यू सो मच.